नमस्कार नीमच, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीमच के नए एसपी अंकित कुमार जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई की और कंबिंग गश्त के आदेश दिया। जी हां, कंबिंग गश्त के दौरान नीमच जिले में 10 पॉइंट बनाए गए जहां पर पुलिस के आला अधिकारी तैनात रहे। आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक और डीएसपी से लेकर एसपी तक सभी ने मैदान संभाला और करीब 200 अपराधियों पर शिकंजा कसा। जी हाँ, पहली बार 200 अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। जगह जगह पॉइंट बनाए गए और चेकिंग अभियान चला। साथ ही इस दौरान जिला बदर, गुंडा लिस्ट और जो अपराधी और माफिया टाइप लोग थे उनको चेक किया गया कि उनकी कहीं कोई हरकत तो जारी नहीं है। एसपी अंकित कुमार जायसवाल के इस कंबिंग गश्त के आदेश के बाद नीमच जिले में ऐतिहासिक कार्रवाई हुई, जिसमें 200 से अधिक आदतन अपराधियों की चेकिंग की गई। 116 व्यक्तियों को स्थायी एवं अस्थायी वारंट तामील किया गया। राजस्थान में निवास कर रहे 21 स्थायी वारंट क्वारंटियों को पकड़ा गया। माइनर एक्ट के तहत 12 अपकारी और 5 सत्र प्रकरण बनाए गए। 65 स्थायी वारंटी, 48 गिरफ्तारी वारंटी और 3 फरारी वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। साथ ही 94 लोग ऐसे हैं जो कि गुंडा लिस्ट में शामिल है। इन गुंडे लोगों को चेक किया गया कहीं उनकी कोई हरकत तो नहीं है, कहीं वे चुनाव में धमाल तो नहीं करेंगे। 86 लोग हिस्ट्री सीटर है। जी हाँ, नीमच में 86 लोग हिस्ट्री सीटर है जिन पर बहुत ज्यादा मामले हैं और कहीं ना कहीं वे कोई ना कोई हरकत करते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उनको पाबंद किया गया, उन्हें चेक किया गया। और 30 लोग जिला बदर है। जी हाँ, 30 लोग जिला बदर है और इन जिला बदरों की स्थिति को पता लगाया गया कि कहीं वे वापस लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में सक्रिय है या नहीं। एक दिन में हुई इस कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि 200 से अधिक जो अपराधी थे उन पे कंट्रोल हुआ और नीमच एसपी अंकित जायसवाल की इस कार्रवाई से जहां अपराधियों में दहशत मच गई है, वहीं बड़ी सफलता यह मिली कि कई प्रकरण दर्ज हुए। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, नीमच के सीएसपी अभिषेक रंजन, मनासा के एसडीओपी विमलेश उइके और जावत के एसडीओपी निलंबरी डावर सहित कई पुलिस अधिकारी मैदान में थे। थाना प्रभारी तो मैदान में थे। दूसरी कार्रवाई भी लगातार चलती रही तो नीमच एसपी ने की यह बड़ी कार्रवाई।